दोस्तों बंका मशीन के आज के वीडियो में राजकोट आने वाले कस्टमरों के लिए गोंडल रोड कितना महत्वपूर्ण है। राजकोट का एक रोड जो करीबन 20 किलोमीटर लंबा है और उसके इर्द गिर्द करीबन 6 इंडस्ट्रियल एरिया आए हुए हैं। ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया जिन्हें हम शापर कहते हैं, कोठारिया कहते हैं, वाउड़ी कहते हैं, अटीका कहते हैं, सम्राट इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं या भक्ति नगर कहते हैं, ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमारे इंडस्ट्रियल खरीदारी करने वाले ग्राहकों को जाना होता है और ये करीबन 20 किलोमीटर लंबा रोड राजकोट के बीचों बीच से जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं इनमें से ही एक इंडस्ट्रियल एरिया जिन्हें हम कहते हैं अटीका। ये अटीका का इंडस्ट्रियल एरिया क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में एड्रेसेस ढूंढना बहुत मुश्किल है। यहाँ इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं और इनके एड्रेसेस भी अच्छी तरह से लिखे हुए नहीं होते हैं, और जो भी आप बोर्ड्स वगैरह देखते हो वो जो नेम प्लेट होती है वो गुजराती में होती है, इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एक नज़र डालिए इस एरिया के ऊपर ताकि जब आप वहाँ जाना चाहे तो आपको अनजान जैसा महसूस ना हो। अटीका इंडस्ट्रियल एरिया में जो बीचों बीच का एरिया है उसे कहते हैं परमेश्वर चौक। परमेश्वर चौक से किसी और आप जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है और दूसरी ओर जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी ब्रांच है। उसके आसपास में एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। वहाँ पर योगेश्वर मेन रोड जो कहा जाता है वो भी एक बड़ा रोड है, और अगर आप आहिर चौक वाले रोड को देखेंगे तो वो भी 80 फीट का बड़ा चौड़ा रोड है। ऐसे ही रामेश्वर चौक है, वो भी एक एरिया है। यहाँ चौक बोलने का मतलब है कि उसे स्क्वायर कहा जाता, तो गुजराती में इसे चौक कहते हैं लेकिन आप समझे स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ एक हसनवाड़ी मेन रोड है, ये भी बड़ा एरिया है। तो इन सभी एरिया का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि कैसा ये एरिया बना हुआ है।
लॉर्ड। ऐसे ही मेटल कटिंग के मशीन देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा के हमें सपोर्ट करें।